तो भाई लोगों, कैसे हो आप? आज हम बात करने वाले हैं वंडर मैन के बारे में। यह थोड़ा नाम मिलता जुलता है डीसी की एक फीमेल सुपर हीरो वंडर वूमेन से, बट कोई नहीं, मार्वल वालों ने हमारा वंडर मैन प्रोवाइड करा दिया है और हमको बस इसको ही सहना पड़ेगा। तो आने वाले टाइम में डिज्नी प्लस पर इसके ऊपर एक सीरीज बन रही है जिसमें कि अराउंड 6 एपिसोड होने वाले हैं। तो आज मैं एक ऐसी थ्योरी के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि मैंने खुद बनाई है। अगर आपको अगर पसंद आती है तो कुछ नहीं करना है, बस एक लाइक करना है। तो मैं थोड़ा कॉमिक की स्टोरी बताऊंगा, फिर अपनी थ्योरी बताऊंगा और वीडियो के एंडिंग में इससे रिलेटेड अपडेट बताऊंगा जो कि एकदम कंफर्मेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, बिना किसी इंट्रो के। तो सबसे पहले बताता हूँ आपको कॉमिक बुक की स्टोरी वंडर मैन। ये कहानी है एक लड़के की जिसका नाम है विलियम्स, जो कि एक बहुत ही अमीर बाप की औलाद है जिसको दुनिया में कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि हमारा टोनी स्टार्क था, हार्वर्ड स्टार्क की आखिरी संतान जो कि बहुत ज़्यादा अमीर था, उसको भी किसी चीज़ की टेंशन नहीं थी। पर साल 2008 की टाइमलाइन के अनुसार देखा जाए तो टोनी स्टार्क काफ़ी ज़्यादा सुधर चुका था अपने बाप के मरने के बाद और उसने अपनी कंपनी को संभाला। अब इस कंपनी को संभालने के चक्कर में उसने अपने बिजनेस को इतना ज़्यादा ग्रो करा और आर्मी के साथ हाथ मिलाया और आर्मी को वेपन्स बना बना के दिए। पर टोनी को पता चलता है एंडिंग में कि मेरे हथियार गलत यूज़ हो रहे हैं। बट ये साल 2008 में जितना भी बिजनेस ग्रो हुआ, यहीं पर एक दूसरी कंपनी थी जो कि विलियम्स के पापा की थी और वो भी शायद हथियार बनाते थे, और उनको इस चीज़ का काफ़ी बड़ा नुकसान झेलना पड़ा क्योंकि उनकी कोई चीज़ खरीद नहीं रहा था और सब टोनी स्टार्क की कंपनी यानी कि स्टार्क इंडस्ट्री पे ज़्यादा भरोसा कर रहे थे और इसी कारण विलियम्स के पापा को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। और फिर हमने एंडिंग में देखा कि टोनी स्टार्क को पता चला कि मेरे हथियार गलत यूज़ हो रहे हैं, तो उसने हथियार बनाना बंद कर दिए और अपनी पूरी कंपनी को सौंप दिया पेपर के हाथ में। अब वो डिसाइड करेगी कि आने वाले टाइम में हमें किस चीज़ पर काम करना है। तो हमें कुछ इस टाइप की स्टोरी देखने को मिलती है मूवीज़ में और कॉमिक में। बट आगे कॉमिक बुक में ये हुआ कि विलियम मिलता है वेरिन ज़ीमो से, उसके बाद हमें वो देखने को मिला फैल्कन एंड विंटर सोल्जर में। बट कॉमिक बुक में ये दिखाया है कि विलियम्स वेरिन ज़ीमो से जब मिलता है तो वेरिन ज़ीमो उसको एक प्रस्ताव देता है कि मैं तुम्हें कुछ पावर्स दूंगा और तुम मेरा काम करोगे। तो वो इस प्रस्ताव में एग्री हो जाता है और वेरिन ज़ीमो की बातों में आ जाता है और फाइनली हमारा विलियम्स बनता है AKA वंडर मैन, और उसको काफ़ी ज़्यादा पावर्स मिल जाती हैं और काफ़ी ज़्यादा वो शक्तिशाली हो जाता है। अब आने वाले टाइम में ये होता है कि वंडर मैन को जैसी पावर मिल जाती हैं तो भाई वो एवेंजर्स को टक्कर देने लगता है और कुछ लड़ाइयाँ लड़ने के बाद वो आने वाले टाइम में कॉमिक बुक में एवेंजर्स लेवल का हीरो बन जाता है, उनकी रैंक तक आ जाता है और टीम का हिस्सा भी बनता है। उसको कोई नाराज़गी नहीं होती टोनी स्टार्क से, बट वो सिर्फ एवेंजर्स की टीम में शामिल होना चाहता है। तो ये तो रही बस कॉमिक बुक की स्टोरी। अब मेरे यहाँ पे थ्योरी ये कहती है कि अगर वंडर मैन के ऊपर सीरीज बन रही है डिज्नी प्लस में तो उसकी स्टोरी किस प्रकार होनी चाहिए। जस्ट इमेजिन अगर ये स्टोरी स्टार्ट हो साल 2007 से। यहाँ पर टोनी स्टार्क को अपनी कंपनी से कोई भी मतलब नहीं है और वो बस घूमने फिरने में ध्यान लगाता है, बट आने वाले टाइम में जब वो अपनी कंपनी को संभाल लेता है तो काफ़ी ज़्यादा बिजनेस को ग्रो करता है और यहीं पर विलियम्स के पापा को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। और विलियम्स की उम्र मान लो उस टाइम कम से कम होनी चाहिए साल 2008 में 11 से 12 साल, जिसको बिजनेस की कोई समझ नहीं होती है। उसके पापा को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नुकसान होता है और टोनी स्टार्क धीरे धीरे करके किस तरीके से ग्रो अप करा वो तो आपने MCU की टाइमलाइन में देखा ही है। पर यहाँ पे विलियम्स जब साल 2013 में 14 में आगे जाके बढ़ता है और वेरिन ज़ीमो से मिलता है तो उसे वहाँ पे वंडर वूमन की पावर मिलती है, पर वो अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाता है और आगे धीरे धीरे चलकर ये बात आ जाती है इन्फिनिटी वॉर के टाइम तक की। और इन्फिनिटी वॉर में हमने देखा कि एंडिंग में स्नैप हुआ और शायद वहाँ पे वंडर मैन गायब हो जाता है पावर के साथ, बट वो वहाँ पे तब भी अपनी पावर को इम्प्रूव नहीं कर पाता है। और फिर स्नैप के बाद जब ये रिटर्न होता है तो देखता है कि मेरे पापा नहीं हैं या मेरी कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय या एवरीथिंग उसका सब कुछ मिट चुका था। पर यहाँ पर विलियम्स फिर अपनी पावर का यूज़ करता है और फिर इस साल 2025 में MCU की टाइमलाइन में वंडर मैन अपनी पावर को जब अच्छी तरीके से इम्प्रूव कर लेता है तो तब जनता के सामने आता है। और शायद मे बी टाइमलाइन अगर इसी तरीके से दिखाई जाए डिज्नी प्लस में तो कितना ज़्यादा मज़ा आएगा। और ये अगर स्टोरी साल 2008 से लेके या 7 से स्टार्ट होती है और साल 2024-25 तक दिखाई जाएगी तो मुझे लगता है कि हमें बहुत सारे कैमियोज देखने को मिल सकते हैं और स्टोरी को बहुत ज़्यादा इजी तरीके से कनेक्ट करा जा सकता है। आपको कैसा लगा ये थ्योरी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।
और उसी के साथ बात करते हैं अब एक लास्ट अपडेट के बारे में जो कि एकदम कंफर्मेशन है। अब साल 2013 में एक मूवी आई थी जिसका नाम था आयरन मैन 3। उसमें एक कैरेक्टर था बेन कैंसली जो कि प्ले कर रहे थे दी मैंड्रियन का, जो कि सिर्फ एक एक्टिंग थी, पर एंडिंग में उसकी भी सच्चाई खुल गई थी और वो पता चला कि एक एक्टर था, असली मैंड्रियन तो और कोई है। और उसको फिर बाद में दिखाया गया साल 2021 में आई मूवी शैंगची लेजेंड ऑफ द टेन रिंग्स में, और फाइनली हमने देखा कि वो तो भाई कितना बड़ा डरपोक निकला। अब वही कैरेक्टर दोबारा से रिटर्न हो रहा है वंडर मैन सीरीज में, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा कनेक्शन हो सकता है आयरन मैन से रिलेटिव। और अगर रिलेटिवली अगर ये स्टोरी साल 2008 से भी स्टार्ट होती है, हल्के हल्के एपिसोडों में दिखाया जाता है, तो आप सोचिए कि हमें जो कैमियो दिखने वाले हैं वो कितने ज़बरदस्त दिखने वाले हैं। तो वंडर मैन सीरीज बनाने का फैसला बहुत ही अच्छा रहा मार्वल का, और लिटरली मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। बाकी आपका क्या मानना है मेरी थ्योरी को लेकर और इस कास्टिंग को लेकर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।